हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन से। एक बार आज हम बात करेंगे जो टावर क्रेन जो होते हैं तो उसका जो गियर बॉक्स होती है यानी स्विंग मोटर का जो गियर बॉक्स होते हैं उसको ओपन कैसे करें। अगर बाय चांस कभी आपका जो गियर बॉक्स है वो अगर ख़राब हो गया कुछ बाय चांस, तो उसको अगर बाहर निकाल के दूसरा अगर डालना हो, चेंज करना हो, तो उसमें आपको कैसे करने का, उस गियर बॉक्स को बाहर कैसे निकालने का, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बोल दूं, आज जो मैं बताने वाला हूँ जो स्विंग मोटर का जो गियर बॉक्स होती है उसको ओपन करने का, उसको बाहर निकालने का जो तरीका मैं आज बता रहा हूँ वो एक्चुअली पोटोन क्रेन में नहीं आते हैं। जो बहुत ही हैवी क्रेन है, जो कि 15 टन, 20 टन, 25 टन, ऐसा जो भी हैवी जो क्रेन है उस क्रेन का गियर बॉक्स की बात कर रहा हूँ। पोटोन का तो बहुत इजी है, आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि पोटोन का जो गियर बॉक्स है, जो गियर मोटर है, मोटर स्विंग मोटर और गियर बॉक्स जो होती है पोटोन का, वो एक्चुअली स्विंग टेबल का बाहर होते हैं। पर ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली स्विंग टेबल का अंदर होते हैं, क्योंकि ये जो हैवी क्रेन होती है उसका अंदर होते हैं। अब पोटोन का जो है वो स्विंग टेबल का बाहर होती है, तो बहुत इजी होती है पोटोन का गियर बॉक्स को या तो मोटर को निकालने का, उसको चेंज करने का बहुत ही ईजी होती है, कोई बड़ा फैक्ट नहीं है। अगर बड़ा जो हैवी क्रेन है उसका अगर गियर बॉक्स का अगर ख़राब हो गया मोटर का, तो उसको कैसे चेंज करने का, उसी के बारे में वीडियो में बता रहा हूँ। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, हम लोग जो है एक गियर बॉक्स को निकालने के लिए आया हूँ। ये जो क्रेन है वो 18 टन का क्रेन है और ये पोटोन का नहीं है, ये चाइना का यांगोंग का क्रेन है। तो ये बहुत ही हैवी क्रेन है, तो इसका जो गियर बॉक्स है, जो कि गियर मोटर है या तो फिर गियर बॉक्स है या तो मोटर है, जो भी मतलब है इसका स्विंग का, वो स्विंग टेबल का अंदर है, इसका स्विंग टेबल की बाहर नहीं है, ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये अंदर है, इसके लिए इसको जो है निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो उसी को आज निकालने के लिए हम लोग आए हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। निकालने के लिए अगर आपका गियर बॉक्स ख़राब हो गया तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो है आपको चेन ब्लॉक लेके जाना पड़ेगा। चेन ब्लॉक ले जाने के बाद आपको चेन ब्लॉक जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह आपको मोटर के ऊपर आपको चेन ब्लॉक को पहले टांगना है। टांगने के बाद आपको पहले मोटर को पहले आपको खोल के उसको साइड कर देना है। मोटर को आप खोल के जैसे साइड कर दोगे उसके बाद आता है आपका फैक्ट जो कि गियर बॉक्स का। उसके बाद जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे प्लेट, ऐसा जो आप प्लेट देख रहे हो ये प्लेट ऑलरेडी स्विंग मतलब मोटर के पास होते ही है लगा हुआ, क्योंकि कंपनी को मालूम है कि अगर गियर बॉक्स ख़राब हो गया तो उसको निकालने का तरीका यही है। तो इस तरह का प्लेट आपको उधर ही मिल जाएगा, इस प्लेट को आपको इस तरह से फिटिंग करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो दोनों बोल्ट है ये 90 का बोल्ट है, आपको ये 90 का जो है स्पैनर लेके आना होगा और इस तरह से आपको जो है प्लेट को इसमें टाइट करना होगा। पहले बेल्ट जो है आपको लिफ्टिंग बेल्ट को अंदर डालना है, उसके बाद आपको बोल्ट को दोनों को टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद जैसे कि ऊपर जो चेन पुली है आपको उस चेन पुली का हुक में ये बेल्ट को आपको डालना होगा, और डालने के बाद आपको उसके नीचे आप देख पा रहे हो 4 बोल्ट है, 24 का बोल्ट आपको 4 मिलेगा। तो आपको वो 4 24 का जो बोल्ट है उसको आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको चेन पुली जो है आपको थोड़ा थोड़ा टाइट करना होगा, और टाइट करने के बाद जो गियर बॉक्स है उसके नीचे में एक बड़ा सा होल होती है, उस होल में आपको हाइड्रोलिक जैक की ज़रूरत पड़ेगा। छोटा सा जो जैक आता है मैनुअली वाला, हाइड्रोलिक वाला, वो जैक आपको बहुत ही ज़रूरी है गियर बॉक्स को निकालने के लिए। तो उसके नीचे में आपको एक छोटा सा होल दिखाई देगा, उसी होल में आपको हाइड्रोलिक जैक को लगाना होगा और धीरे धीरे हाइड्रोलिक जैक को पुश करना होगा, और इधर से आपको चेन पुली भी आपको टाइट करना होगा। तो हाइड्रोलिक जैक जैसे ही मतलब आप पुश करोगे, उसको हाइट करोगे और धीरे धीरे चेन पुली भी हाइट करोगे, तो उसी तरह आपका जो है गियर बॉक्स आसानी से बाहर निकाल के आ जाएगा। इतने आसान तो नहीं है दोस्तों इसको निकालना, लेकिन निकालने की जो तरीका है वो यही है। बहुत ही मुश्किल होती है इस गियर बॉक्स को निकालना, क्योंकि वो इतना टाइट होते हैं मतलब हाथ से ज़्यादा, बहुत ही मुश्किल होती है गियर बॉक्स को निकालना। हाइड्रोलिक जैक जो है वो कंपलसरी है, आपको उसका नीचे आप देखोगे तो एक होल आपको दिखाई देगा, उस होल के सेंटर में गियर बॉक्स का जो पिनियन है उसको रखना है, और फिर आपको जो है हाइड्रोलिक को आपको प्रेस करना है, प्रेशर देना है। तो जैसे कि मैनुअली हाइड्रोलिक जैक है तो आपको मैनुअली उसको पंप करना है, तो आप उसको पंप करोगे तो जैक जो है उसको नीचे से पुश करेगा और चेन पुली उसको ऊपर से पुश करेगा। तो दोनों की मदद से आपको गियर बॉक्स को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं है निकालना, बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह जो है आप इसको निकाल सकते हो। निकालने के बाद
फिर जो है डालने की जो प्रोसेस है वो पूरा सेम है। फिर आप जो उसको निकाल के साइड में करने के बाद फिर दूसरा जो नया वाला गियर बॉक्स है उसको फिर आप चेन पुली से डाल के फिर उसके होल में उसका खांचा में आप धीरे धीरे डाउन करके उसको सेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जेहेतु ये बहुत ही हैवी क्रेन है इसके लिए इसका जो गियर बॉक्स है वो भी बहुत हैवी है, नॉर्मल नहीं है। लेकिन पोटोन का जो गियर बॉक्स या तो फिर मोटर होती है स्विंग का वो बहुत ही ईजी निकल जाता है, क्योंकि वो होती है स्विंग टेबल का बाहर, वो स्विंग टेबल के बाहर होते हैं इसके लिए बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन ये जो है वो स्विंग टेबल का अंदर होती है, इसके लिए इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होती है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल मतलब बहुत ही मुश्किल होती है। तो आपको जो है निकालने का अगर तरीका जानना चाहते हो तो इसी तरह आप उसको निकाल सकते हो। अगर आप कोई मैकेनिकल में काम कर रहे हो जो कि 15 टन से लेके ऊपर का जो क्रेन है उसका अगर आपको स्विंग मोटर का जो गियर बॉक्स है उसको अगर चेंज करना हो तो आप इसी तरह उसको चेंज